राजकुमार बेहद मुंहफट आदमी थे, जो दिल में आता था उसे शब्दों का बाण बनाकर सामने वाले पर दाग देते थे। ये बात तो सोचते भी नहीं थे कि सामने वाले को इसका बुरा लगेगा या नहीं। बॉलीवुड में कुछ ऐसे किस्से हैं जो बहुत मशहूर हैं। ये कितने सही हैं या गलत ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इन्हें खूब चटखारे लेकर सुनाया गया। राजकुमार और गोविंदा एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। गोविंदा झजाझक शर्ट पहने हुए राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म होने के बाद वक्त बिता रहे थे। राजकुमार ने गोविंदा से कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। चीची इतने बड़े आर्टिस्ट की ये बात सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि सर आपको ये शर्ट पसंद आ रही है तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने गोविंदा से शर्ट ले ली। गोविंदा खुश हुए कि राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे। दो दिन चीची ने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट का एक रुमाल बनाकर अपनी जेब में रखा हुआ है। एक पार्टी में संगीतकार बप्पी राजकुमार से मिले। अपनी आदत के मुताबिक बप्पी ढेर सारे सोने से लदे हुए थे। बप्पी को राजकुमार ने ऊपर से नीचे देखा और फिर कहा, शानदार, एक से एक गहने पहने हो, सिर्फ मंगलसूत्र की कमी रह गई है। बप्पी का मुंह खुला का खुला ही रह गया। जीनत अमान फिल्म इंडस्ट्री में फेमस हो गई थी। दम मारो दम गाना धूम मचा चुका था। फिल्म निर्माता अपनी फिल्म में जीनत को साइन करने के लिए मरे जा रहे थे। एक पार्टी में जीनत की मुलाकात राजकुमार से हुई। जीनत को लगा तारीफ के दो चार शब्द राजकुमार जैसे कलाकार से सुनने को मिलेंगे। जीनत को राजकुमार ने देखा और कहा कि तुम इतनी सुंदर हो, फिल्मों में कोशिश क्यों नहीं करती। अब ये बात सुनकर जीनत का क्या हाल हुआ होगा आप समझ ही सकते हैं। तो ये थे राजकुमार साहब के अजब गजब किस्से। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री।